जा कहाँ रहे हैं? शांति द्वीप से मेन टेंपल। शांति द्वीप से मेन टेंपल गौतम बुद्धा जन्मे का जगह। अच्छा, चलिए देखते हैं दोस्तों, शांति द्वीप से मेन टेंपल जा रहे हैं घूमने। ये पक्की खत्म हो गई, कच्ची सड़क शुरू हो गई है। नहीं, जानवर नहीं रहते हैं सर, हमारा घर यही है। यहाँ जानवर नहीं रहते? हाँ, जंगल बहुत घना है। अरे जंगल भरा भले है, क्योंकि इधर 4 hours आदमी ही चलता ही रहता है, तो किधर से जानवर। अरे मतलब 24 घंटा। हाँ तो फ्रेंड्स, एक बात बता दूँ, अभी हम निकले थे कहाँ, कौन सा मंदिर जा रहे हैं भैया? हम लाइट आने दो। हम जा रहे थे एक मंदिर घूमने के लिए, बहुत अच्छी फोटो, लेकिन ये हमारा ई रिक्शा हो चुका है खराब। मजा आया तो अब ये दूसरे रिक्शे को मंगाया गया है, तो तब तक हम यहाँ पर कर रहे हैं वेट। ये देखिए सभी कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। शीना जी कुछ पिक्स देखिए, फोटो आ रही है, सब फोटो क्लिक करा रहे हैं। ये जो स्टकिंग टाइम है हमारा, रुक गए हैं, जो फंस गए हैं उसको एंजॉय करते हुए। चलो आओ, गाइस अब दूसरा ई रिक्शा आ चुका है हमें लेने के लिए, तो अब हम चल रहे हैं मंदिर। ये देखिए ऐसा ट्रिप भी एंजॉय करना चाहिए कभी कभी, बहुत मजा आता है। अब हम चल चुके हैं मंदिर के लिए, देखिए तेरे को भाई वाले भैया, और रात हो चुकी है तो थोड़ा अंधेरा होगा। ये थैंक यू भैया, लाइट ऑन कर दिए भैया ने, तो इसलिए हमारा क्लियर आ रही होगी। तो चलिए अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, कितने बजे? 6 बज रहा है। नहीं अभी कितना टाइम लगेगा मंदिर पहुंचने में? 2 या 3 मिनट के अंदर मंदिर पहुँचने वाले। चलिए पहुँच के दिखाते हैं कैसा है मंदिर, हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो देखते हैं, इन्जॉय करते हैं ट्रिप को। आ चुके हैं मंदिर में, और मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है इसलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। अभी जस्ट हमने एंटर किया है मंदिर के अंदर, और ये एंट्रेंस है इसका। देखिए हम थोड़ा रात हो गई है, तो एक्चुअली क्या पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रही होगी क्योंकि अंधेरा है, रात है, लेकिन फिर भी हम आपको जितना भी हो सकता है मैं ट्राई करूँगा। देखिए हम चल रहे हैं अब ये मंदिर के, ये सीढ़ी नुमा कुछ एरिया है, ये पूरा चल रहे हैं मंदिर की तरफ। ये भैया मंदिर उधर है? ओके, ये शांति देव था, वो जो दिया जल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो कितनों बारिश हुए पूछता नहीं है। ओके, तो ये जो सामने मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो दिया जल रहा है इसको शांति देव बोलते हैं। शांति देव बोलते हैं, लुम्बिनी में है अभी हम, और कौन से मंदिर में? माया देवी मंदिर में। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये दीप हमेशा जलता रहता है, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी वेदर हो, ये दीप हमेशा जलता रहता है। तो देखिए यही सब कुछ है, हमारी मान्यताएं हैं। चलिए और चलते हैं, आपको और कुछ दिखाते हैं, भैया हमारे बताएंगे क्या क्या होने वाला है। कुछ पिक्चर क्लिक कर रहे हैं हमारी शीना जी। अरे नहीं, वो बीच में देखिए सब कुछ ना कुछ, ये शीना जी बहुत पेट लवर्स हैं तो इसलिए। ओके, तो गाइस ये है बुद्ध जी की मूर्ति जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए मैं आपको क्लोज और दिखाता हूँ मैं आपको, ये बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है बुद्धा जी की। ये बर्थ प्लेस है यहाँ पर, तो एक्चुअली देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये। और ये यहाँ पर रात ज़्यादा हो गई है तो मैं इसको पिक नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी बहुत खूबसूरत मूर्ति है। तो ये अभी नई बनाई गई है, बाकी ये मंदिर लोग बताते हैं सदियों पुराना है, 100 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं इस मंदिर को। तो चलिए और आगे एक्सप्लोर करते हैं कुछ भी जो भैया बताएंगे अभी हमें। गाइस ये है मंदिर का एंट्रेंस जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, दोनों तरफ लाइटिंग है, बीच में बहुत अच्छा सा रास्ता बना हुआ जाने के लिए। हम ये थोड़ी देर टिकट यहाँ से क्रॉस करके जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए देखिए कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर। ओके ओके, तो भैया बता रहे हैं कि मंदिर हो जाएगा बंद, तो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपनी, और वॉकिंग की जगह हम ये रनिंग करके जा रहे हैं मंदिर देखने के लिए, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा रनिंग करके चलते हैं।
एक रोटी भी नहीं मिलेगी तो भी मैं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो बड़े कोऑपरेटिव बंदे, हम तो मोमोज खाएंगे। अभी इसके बाद उसको बोलेंगे कहीं पे अच्छी सी जगह मार्केट टाइप का प्लेस पे लेकर चलेंगे। ठीक है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हरिया 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 बॉयज। वो आ रहे हैं ना, खुद आ गया हरिया भी कर ही आया अंदर जाके। बेबी कम कम कम, ये है टिकट काउंटर, तो यहाँ टिकट लेनी होती है जितने भी जो भी विजिटर्स आते हैं। 10 rupees पर हेड करना साहब हमारे ले रहे हैं टिकट। अच्छा गाइस, ये है एंट्री गेट और यहाँ हमें शूज अपने रिमूव करने होंगे, तो हम चल रहे हैं अभी शूज रिमूव करने के लिए। जगह उतार लो अपने, एक जगह ओके, एक केबिन रख लो। चलो हमने रख दिए। तो ये कुछ नेपाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जूता चप्पल बाहरी कॉलोन में होला, कीप ऑफ शूज आउटसाइड। तो गाइस ये है एंट्री गेट मंदिर का और यहाँ होती है टिकट। पहले जो हमने टिकट लिया वो यहाँ दिखानी पड़ेगी, टिकट काउंटर। एंट्री कर चुके हैं मंदिर प्रांगण में। ये है मंदिर का बाहरी रूप। ये स्टेयर्स, स्टेयर्स तो नहीं है, अकेले ये ऐसे ही ऊंचा यहाँ स्लोप बना हुआ है, इस पर हम चलेंगे चढ़ के। जो हम गिफ्ट करते हैं वो कुछ और है। ये है हमारा एंट्रेंस, यहाँ मंदिर में एंट्रेंस करेंगे। भैया यहीं से एंट्री करते हैं। ओके, यहाँ बुद्ध भगवान जी का जन्म हुआ था, कौन सी जगह पे? तो गाइस एकदम एग्जैक्टली जहाँ भगवान बुद्धा जी का जन्म हुआ था वो प्लेस को बिल्कुल हेरिटेज कर दिया गया है, तो वहाँ कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो वो वीडियोस मैं शूट नहीं कर पाया। तो चलिए आगे का जो भी होगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांति, इतनी शांति मिली। देखिए यहाँ पर कितना कितना सुकून है। देखिए ये पूरा मंदिर, ये देखिए ये कुंड है हमारा, और ये देखिए पूरा चारों तरफ कितनी शांति है। देखिए ये ट्री है, बहुत ही पुराना ट्री है, मुझे भी पता नहीं है कितना पुराना है, लेकिन सचमुच ये भी ये और ये ट्री देखिए कितना पुराने है, कितना बड़ा है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। और गाइस ये है अशोक स्तंभ, ये सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ कोई है नहीं तो मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन जितना पता है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये शोक स्तंभ बोलते हैं इसको, वो पता नहीं क्या है, किसी से पूछना पड़ेगा। सर ये क्या है? अशोका पिलर है। और वो क्या है, वो जो वहाँ पे एक स्टोन है, ये सम्राट अशोक जो उनके द्वारा लगाया गया, ये लास्ट टाइम पे ये हमारा, उसको अशोक स्तंभ बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बड़े बड़े अधिकारियों को इस पे लगा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चार पाली यहाँ लोग अपनी स्तुति करते हैं। और ये देखिए करने के बाद दिए, और जिनको हम बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ जलाए जाते हैं। बहुत ही डिवाइन फील है, सो सो नाइस। ये दिए हमारी आस्था का प्रतीक है। और ये हैं यहाँ के पुजारी जी, हैं मिस्टर ओमकार नाथ पांडे जी, जिन्होंने हमें बहुत कुछ यहाँ की जो गाथा थी वो बताई हमें। एक इनके साथ ले ले, आजा आजा। यहाँ पर ये सब कुछ पूजा की देख रेख करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू पुजारी जी। मीना जी नंबर दे दो, कार तो नहीं है। तो ये हमारे पुजारी जी ओमकार पांडे जी, बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे।
थैंक यू पंडित जी, फिर मिलेंगे। ओह ये बहुत सेवा करते हैं पंडित जी हमारे यहाँ पर। ठीक है पंडित जी, चलिए फिर जल्दी मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच पंडित जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बुद्धा धम्मा संगा ब्लेसिंग फॉर यू, लॉन्ग लाइफ, इंटरनल पीस, गुड हेल्थ। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच पंडित जी, इस रिगार्ड्स के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, हमारा बहुत प्यार अंकल जी का। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी चल रहा है हमारा, देखिए ब्रेकफास्ट चल रहा है, अब लोग का नाश्ता चाय और जैम ब्रेड के साथ बस, और हम फुल रेडी हैं निकलने के लिए, बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। बस अभी चाय पी रहे हैं, देखिए सभी तो बस अभी गाड़ी जैसे ही आएगी फिर हम चलेंगे एयरपोर्ट। मिल गए नहीं भाई, फिर एयरपोर्ट पहुँच के मिलते हैं आपसे। गाइस देखिए एग्जैक्ट 7 बज चुके हैं, गाड़ियां हमारी आ चुकी हैं और हम अब रेडी हैं। आ जाओ बस, ये है हमारे अनिल भाई, इन्होंने बहुत ही ख्याल रखा है, इन्होंने बहुत अच्छा नाश्ता कराया, डिनर कराया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए और आगे जब भी हम आएंगे आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओके वेलकम। हाँ जी ओके, तो अनिल जी चलते हैं और हम okay, okay. मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है ठीक है, ओके ओके, गुड बाय, सी यू सी यू। फोटो नहीं आ रही है? हाँ अब फोटो खींच देते हैं, आ जाओ आ जाओ, आओ दोस्तों मैडम की। तो गाइस चलिए अब सब फुल रेडी हो चुके हैं और अब हम चल रहे हैं, मना कर रही है वो, कह रही है राजेश भाई बैठे, हम चल रहे हैं। अरे बैठ जाओ, और अब हमारी गाड़ियाँ चल रही है और अब फुल हम रेडी हैं और चलिए मिलते हैं हम एयरपोर्ट पे। तो चलिए एयरपोर्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू। एयरपोर्ट की ओर, और देखिए रंजन भाई और ये मैं, आज कॉन्सिडेंस ऐसा है कि हम दोनों ने येलो पहन रखा है देखिए। तो अब चलेंगे एयरपोर्ट और ये भैया हमारे, चलिए मिलते हैं गोरखपुर एयरपोर्ट। फाइनली बज रहे हैं 1 और हमने चेक इन कर लिया है फ्लाइट के अंदर। देखिए सब सेटल डाउन हो चुका है, लगेजेस रख दिए हैं, हैंड कैरी रख दिया है और सीट पे हम बैठ चुके हैं और अपनी हमने ये सीट बेल्ट बांध ली है। तो अब हम ट्रैवल करेंगे लगभग 15 मिनट बाद दिल्ली के लिए। और ये देखिए सीट के ऊपर क्या लिखा है, सही लिखा होता है, रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे है, कृपया बैठे हुए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो चलिए बॉस फिर मिलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, अभी दिखाते हैं क्या क्या होगा। तो फिलहाल जस्ट पहुंच जाएंगे फिर देखिए दिल्ली में मिलेंगे। तो चलिए सर बने रहिएगा ब्लॉक के अंदर, दिल्ली पहुँच के बात करेंगे हम लोगों से। वेट कर रहे हैं अपने लगेज का और देखिए लगेज ये इसी बेल्ट पे आएगी, तो हम वेट कर रहे हैं अभी, देखिए कितना टाइम लगता है हमारा जो ये लगेज आने में, और अभी सभी वेट कर रहे हैं, देखिए सारे अरुण खन्ना साहब वेट कर रहे हैं अभी, और रंजन भाई गए हैं और दूसरे अपना ओजी के लिए, क्योंकि उनका कीबोर्ड ज़्यादा हैवी है तो वो ओजी पे आता है। तो चलिए देखते हैं अभी थोड़ा लगेज लेते हैं और फिर चलेंगे हम घर की ओर। तो चलिए घर पहुँचते हैं और बहुत कुछ जो भी इस ब्लॉग में आपने देखा अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चलिए घर पे पहुंच के एक बार फिर मिलेंगे आपसे अभी, तो अभी अपना लेते हैं लगेज और फिर चलते हैं घर। तो गाइस गाड़ी आ चुकी थी और हम गाड़ी में बैठ के आ चुके हैं घर, और ये इतना लंबा सफ़र आपके साथ जो मैंने तय किया मुझे बहुत मज़ा आया।
आपको भी मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश की है कि मैं कहाँ गया हूँ, मैंने क्या किया, क्या खाया है, कहाँ रुके हैं, क्या हुआ है शो पे, तो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अगर आई होप आप सब लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दें बॉस, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ, एक नए जर्नी पे, नई डेस्टिनी पे, और तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, प्यार बांटिए, फिर मिलेंगे जल्दी।